यहाँ पे काम नहीं करते हैं ये सही, इधर काम दे करके मजा है, काम करने के बगैर पैसे ढूंढते हैं। हाँ। काम करते हैं एक दो दिन तो ढूंढते हैं 18-20 हजार, सारों ने खा लिए, बाथरूम के बाथरूम किसी ने बनाए नहीं, गंद मचा के रखी है, कम से कम बाथरूम तो बनाओ। दे रहे हैं गवर्नमेंट, मोदी सरकार दे रही है 12-12 हजार दे रही है। ये देखो जी, अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊंगा, तुम नोट करना ठीक है। ये देखो, ये अब धर्म है ठीक है, ये बोर्ड बनाया था इन्होंने, ये तुम मुझे बताओ किस एंगल से बोर्ड लग रहा है। ये देखो, ये देखो इसका, ये देखो ये बोर्ड लग रहा है, ये बोर्ड लग रहा है, आधी मिट्टी आधी सीमेंट आधा क्या डाल दिया है। कि पब्लिक को तुम चूना लगा लेते हो, लेकिन जो बंदे होते हैं ना, बंदे जो होते हैं ना, उन्हें चूना नहीं लगा सकते हो। यहाँ पे धर्म है जी, इधर आओ जी, आज सब कुछ देखा जाएगा, यहाँ पे धर्म है। ये नहीं, ये पाइप किसने लगाई है, जबकि इन धर्मों को पानी आना चाहिए, अच्छा लगेगा, तुम्हारे जो पितर है, हमारे जो पितर है, उनको अच्छा लगेगा। अब ये देखो पाइप लगाई है, जुगाड़ू पाइप, मेरा मन करा इसको फेंक दूं। गाड़ी वाले बड़ा क्यों यहाँ पे काम नहीं करते हैं ये सही, इधर काम दे थे मैंने पिछले साल इनको जॉब काटूंगा, इन्होंने काम करके राजी नहीं है, ये पैसा ढूंढते हैं खाली। हाँ मैं भी ढूंढता हूँ, मैंने भी काम करा है यहाँ पे, पैसा नहीं, मेरी इंसल्ट थी ये, किसी और की नहीं। यहाँ से जो ये रोड था ना, ये ब्लॉक वालों का था, ये ब्लॉक वालों ने काम अधूरा छोड़ा है, बोल रहे गाड़ी पहुंचा दी हमने, रोड कहाँ पहुंचाई ये गाड़ी, इधर देखो लदी लद पड़ी है, इधर मिट्टी मिट्टी हो गई है, कैसे चलेगा बंदा, जब बर्फ होगी तब तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। यहाँ से चुप चुप रहते हैं, इनको बोला करो ना, थोड़ा बोला करो, आगे निकला कर। पाइप वालों ने गंद मचा के रखी है, किसी के डंगे तोड़ फोड़ के, किसी का क्या करके नुकसान करके रखे उन्होंने, मतलब नुकसान तो है, मैं सही बता रहा हूँ। अभी अभी पानी की पाइपें नीचे के लिए लग रही हैं ठीक है, जो हमारी जमीन है यहाँ पे, यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं इनको। ये देखो अब यहाँ से क्या कबाड़ा कर लिया, अब यहाँ पे धर्म है, जो धर्म नहीं देख रहे हो तुम लोग, यहाँ पे धर्म है, और इतनी गंद डाल के रख दी है। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे जो पितर हैं, जो हैं, उनको तुम ऐसे करते हो क्या, मतलब जो जो मेरी वीडियोस देखते हैं, ऐसा नहीं कि देखो यहाँ से जो काम था हमारा, जो काम करवाया था इन्होंने, जो मेंबर सरपंच वगैरह हमारे गांव के, जिन्होंने ये काम करवाया था, ये कौन सा काम कराया, कच्चा काम कौन कराता है, जहाँ पे काम कराना तो अच्छे से कराओ यार, मतलब जहाँ पे अच्छा भी लगे। अब सर्दियों के टाइम ये होता है, यहाँ पे 5-5 फुट बर्फ होती है, 5 फीट प्लस, उससे भी ज्यादा होती है बर्फ, तो बर्फ के टाइम ये होता है ना कि यार देखो, अब लड़के या जे सकते हैं, लड़के हैं लड़कियां हैं यार, छोटी छोटी दीदी बहनें जो जो चल रहे हैं इस रास्ते पे, इस रास्ते को कवर कैसे करना है, मतलब थोड़ा सा तो ढंग रखो कि कहीं पे कि कोई भी चीज बनानी हो ना, तो उस चीज को ना कंप्लीट बनाओ, ये नहीं कि थोड़ा सा कर लिया बस, कि हाँ जी पैसे चढ़ गए, इससे कोई फायदा नहीं है ठीक है ना। पैसे चढ़ाने में तो यार हम भी पैसे चढ़ा सकते हैं सबके बिना काम के, लेकिन काम लो, इंसान से काम लो, काम करके मजा है, काम करने के बगैर पैसे ढूंढते हैं। हाँ। काम करते हैं एक दो दिन तो ढूंढते हैं 18-20 हजार। हाँ। 3 दिन काम करोगे फिर बोलोगे जॉब कार्ड में पैसे नहीं चढ़े, ये सरपंच की गलती नहीं, मेंबर की गलती नहीं, ये तुम लोगों की गलती है, क्योंकि पब्लिक को हमेशा ना खुद सोचना चाहिए कि हमारा काम कितना है, हमारे पैसे कितने बन रहे हैं, हमारा कितना काम है, हमने क्या करना है ठीक है। ये पब्लिक का काम है, सरपंच का काम ये है कि अगर वो चढ़ाता नहीं तुम्हारी अटेंडेंस, तो अगर तुम काम करते हो उस पैसे को तुम्हें नहीं दिलाता है, तब तुम ऑब्जेक्शन ले सकते हो मेंबर सरपंच पे, या कहीं पे वो ट्रोल कर रहा है, यहाँ पे वो कहीं पे गलत कर रहा है, तब तुम सरपंच को बता सकते हो कि यार ऐसी ऐसी प्रॉब्लम। मैं तो सही बता रहा हूँ भाई, गांव में मैं इन सब चीजों के लिए ना खिलाफ हूँ, जहाँ जहाँ ये चीजें ना धर्म वगैरह, जो जो मतलब जो हमारे साथ नहीं है इंसान, उनके जो धर्म है ना, वहाँ पे ये गंद छंद पड़ी होती ना, वो मुझे बहुत गुस्सा आता है। कि देखो यार, अब एक दिन साफ करे, ऐसा नहीं कि मैं साफ ना करूं, एक दिन पैसे सारों ने खा लिए, बाथरूम किसी ने बनाए नहीं, गंद मचा के रखी है, पैसे सब लोगों ने खा लिया, फिर बोलते हैं गंदे है इधर, फिर पैसे खा लिया, कम से कम बाथरूम तो बनाओ। हाँ। दे रहे हैं गवर्नमेंट, मोदी सरकार दे रही है 12-12 हजार दे रही है, ये लोग बना के राजी नहीं है, खाली पैसा खा लिया लोगों ने, मतलब यहाँ पे एक स्कीम आई थी वॉशरूम की ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक वॉशरूम की स्कीम आई थी यहाँ पे, जो हमारे ब्लॉग में, ब्लॉग होता है, ए वार्ड बी वार्ड सी वार्ड हर किसी में आया था, वॉशरूम आए थे ठीक है, मोदी की तरफ से आए थे, बट कुछ लोगों ने ये किया है कि उसका पैसा निकाल के वॉशरूम नहीं बनाया। सपोज जिसके पास वॉशरूम है वो अगर पैसे निकालता है तो कोई इश्यू नहीं पड़ता, बट अगर तुम्हारे पास वॉशरूम नहीं है, अगर तुम्हें गवर्नमेंट पैसा दे रही है, तो उस पैसे को तुम अच्छी जगह पे यूज करो, बिकॉज अगर तुम वही पैसा, वॉशरूम का पैसा ही तुम अगर यूज कर रहे हो वही वॉशरूम के लिए, तो देन अच्छा रहेगा, और तुम्हारा जो गंद है
आगे पीछे जो तुम खेतों में जाते हो गांव के लोगों, ये थोड़ा बंद कर दो प्लीज। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे घर में बाथरूम है, पापा ने बना दिया मेहनत करके, ये नहीं यार। सही है, देखो पैसा दे रही है तुम्हें गवर्नमेंट, उसे मतलब कहीं अच्छी जगह लगाओ। क्या सही बात है। और फिर बाकी तुम यार सारी सब कुछ है तुम्हारे तक है, सरपंच भी तुम्हारे तक है। और कोई कोई लोग बोलते हैं ना, हमने इसको बनाया फिर ये काम नहीं कर रहा है, वो तो करेगा ही भाई। हर एक इंसान मतलब के लिए रहता है भाई। अगर तुम मुझे भी लीडर बना रहे हो अपना, ठीक है, अपना गांव का बोर्ड बनाएगा। हाँ ये देखो जी, अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊंगा, तुम नोट करना ठीक है। ये देखो, ये अब धर्म है ठीक है, ये बोर्ड बनाया था इन्होंने। ये तुम मुझे बताओ किस एंगल से बोर्ड लग रहा है। ये देखो इसका, ये देखो ये बोर्ड लग रहा है, ये बोर्ड लग रहा है। आधी मिट्टी आधी सीमेंट आधा क्या डाल दिया है, ये देखो ये बोर्ड लग रहा है। कहाँ पे लिखा है इसको, कौन देखेगा इसको? जिस सरपंच मेंबर ने लिखा हुआ है इसको कौन देखेगा? देखने वाला है इसको, इस वाली चीज को कोई देखने वाला है? तुम बताओ, देखने वाला है कोई? नहीं देख सकता है ना। उन्होंने क्या किया है, बस फॉर्मेलिटी कर ली इसका, उसी टाइम इन्होंने फोटो उठाया, फोटो सेंड कर लिया, बाद में फिर पब्लिक सीरियसली, पब्लिक का ये होता है ना कि पब्लिक को तुम चूना लगा लेते हो, लेकिन जो बंदे होते हैं ना, बंदे जो होते हैं ना, उन्हें चूना नहीं लगा सकते हो। यहाँ पे धर्म है जी, इधर आओ जी, आज सब कुछ देखा जाएगा। यहाँ पे धर्म है, ये पाइप किसने लगाई है? जबकि इन धर्मों को पानी आना चाहिए, अच्छा लगेगा तुम्हारे जो पितर है, हमारे जो पितर है उनको अच्छा लगेगा। अब ये देखो पाइप लगाई है, जुगाड़ू पाइप, मेरा मन करा इसको फेंक दूं। पानी की यहाँ पे पानी की कमी नहीं इस एरिया में, पानी बहुत है, लेकिन ये सारे गांव वाले ना, मैं सही बता रहा हूँ, पूरे गांव के जितने भी लोग हैं ना, सारे खुद गलत हैं, फिर दूसरों को बताते हैं, मेंबर हमारा काम नहीं करते हैं, सरपंच काम नहीं करते हैं। यार वो कैसे करेंगे जब तुम्हें पब्लिक प्लेस, तुम्हें पब्लिक का नहीं पता? पब्लिक एक पब्लिक होती है ना एक साइड से, तो कौन तुम्हारा कुछ उगाड़ सकता है? पब्लिक एकजुट बने रहो यार, एक बने रहो, तब जाके तुम्हारे साथ जीत होगी, हर एक काम ही जीत होगी, और तुम्हें बेरोजगारी नहीं मिलेगी। मैं तो यही बता रहा हूँ, तुम अपना काम करोगे, जो जो तुम्हें पता है कि तुम हम ये कर सकते हैं, तुम्हें हर एक डिटेल आजकल नेट में मिलती है, हमारे वार्ड में कितना काम आया है, हर एक डिटेल आजकल नेट में मिलती है, हमारे वार्ड में कितना काम आया, कितना पूरा पता डिटेल आ जाती है, नेट सब कुछ नेट पे आ जाता है। मगर इधर के जो लोग है ना, ये निम्बर और सरपंच को चढ़ के रहते हैं। कम से कम खुद करो काम, काम करोगे तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करोगे तो पैसा कहाँ से मिलेगा? बाद में बोलते निम्बर खराब है हमारा, ये ऐसा तैसा, खुद काम करके ये राजी नहीं है। मैं तो यही बता रहा हूँ, फिर से अगेन यही बता रहा हूँ कि देखो यार, पब्लिक जो हो ना, पब्लिक तुम खुद गलत हो, ना कि मेंबर वो सरपंच वो सब गलत नहीं है। वो तब तक गलत नहीं है जब तक तुम्हारा काम ना करें। तुम्हें पता है हमारा काम है ये, अब तुम काम ही नहीं करोगे तो उनसे सरपंच से क्यों पैसे ले रहे हो? व्हाट डू यू मीन? जब तुम काम ही नहीं करोगे तुम गलत बोलोगे सरपंच को, क्यों बोलोगे? अरे काम नहीं करोगे, अगर वो काम नहीं करता, अगर वो काम नहीं करेंगे, तुम काम नहीं करोगे तो पैसे, अगर वो अगर तुम्हारा काम नहीं करेंगे। आजकल यार बहुत लंबा प्रोसेस हो गया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ठीक है ना, बहुत लंबा प्रोसेस हो गया है। अब मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बताऊंगा, सो मिलते अब थोड़ी देर में। अब ब्लॉग की भी एंड, ये लास्ट डे था, पता नहीं ये वीडियो डालने के बाद मेरे गांव के सरपंच वगैरह मुझसे हेट भी करें, बट नो, कोई हेट करे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने मेंबर सरपंच को यही बताना चाहता हूँ, आई लव यू मेरे बहुत। आप मेंबर सरपंच जितने भी हो, सबको काम दो, अच्छा करो, और पब्लिक का साथ दो, और जो पब्लिक काम नहीं करती उसको पैसा भी नहीं दो।